आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टि पत्र जारी किया। लघु और सीमांत किसानों को बोनस देने और कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का किया वादा। दृष्टि पत्र के साथ ही भाजपा ने जारी किया नारी शक्ति संकल्प पत्र, महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर। कांग्रेस ने दृष्टि पत्र को दृष्टिहीन करार दिया और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यप्रदेश के विकास दर में वृद्धि को बताया सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में जारी किए गए इस दृष्टि पत्र में पार्टी ने समृद्ध प्रदेश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को और तेज करने तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। दृष्टि पत्र में लघु और सीमांत किसानों को कृषक समृद्धि योजना के तहत बोनस देंगे, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी पहली कक्षा से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च वहन करने का वादा किया गया है। दृष्टि पत्र में 12वीं कक्षा में 75% अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने, निवेशकों को प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में 12 नए क्लस्टर विकसित करने और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का वादा भी किया है। पार्टी ने दृष्टि पत्र में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का वादा भी किया है। दृष्टि पत्र को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। भाजपा का कहना है कि उसका यह दृष्टि पत्र अगले 5 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश का एक रोड मैप है। घोषणा पत्र में राज्य के युवाओं के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियों और स्वरोजगार का वादा किया गया है, जबकि युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप के जरिए अवसर तलाशे जाएंगे। घोषणा पत्र में सभी निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास और ग्रामीण पर्यटन के लिए नए विश्वविद्यालय, व्यापारियों के लिए जीएसटी मित्र योजना, हर शहर में इंक्यूबेशन सेंटर, किसानों के लिए फसल पर बोनस सहित कई नई कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण कोष को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जाएगा, ताकि फसलों के मूल्य में गिरावट के बावजूद किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। भाजपा नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेगी और व्यापारी कल्याण कोष भी स्थापित करेगी। पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नल जल योजना, 100 नए विद्या उपासना स्मार्ट स्कूल, प्रमुख शहरों में मेट्रो परियोजना तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन का वादा भी किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पार्टी ने नारी शक्ति संकल्प पत्र भी अलग से जारी किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पूरा अवसर दिया है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए 50% आरक्षण पहले से ही लागू है। पुलिस भर्ती में भी 33% आरक्षण का भी प्रावधान है। इन्हें जारी रखने के साथ ही महिला स्वसहायता समूह को और सशक्त बनाया जाएगा। समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देने के साथ ही मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए और भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। संकल्प पत्र में महिलाओं को शहरी परिवहन में रियायत देने और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का वादा भी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य गरीबों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और इसके लिए उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने आज भोपाल में पार्टी का दृष्टि पत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, सस्ती बिजली और अनाज देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना उनकी प्राथमिकता थी, जिसमें वे सफल रहे हैं। श्री चौहान ने कहा है कि अब हमारा संकल्प प्रदेश को समृद्धशाली राज्य बनाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र को दृष्टिविहीन करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जहां एक ओर किसानों के 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया है, वहीं भाजपा के दृष्टि पत्र में किसानों के प्रति कोई खास चिंता नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों के सवालों पर भाजपा पूरी तरह मौन है। शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में भी भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र लाना भी ये दर्शाता है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति अपराधों को रोकने में विफल रही है, इसलिए वो अलग से संकल्प पत्र लेकर आई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रीवा में जहां स्वीप अभियान के तहत अनेक गतिविधियां की जा रही हैं, वहीं मतदाता भी अपने मताधिकार को लेकर सजग हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं स्वाभिमान संरक्षण मंच संस्था द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रीवा को एक ज्ञापन सौंपा गया। अधिक जानकारी दे रही हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रीवा में जहां स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं मतदाता भी अपने मताधिकार के अधिकार को लेकर गंभीर हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं स्वाभिमान संरक्षण मंच संस्था द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रीवा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके द्वारा कहा गया कि 80 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ जनों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए वाहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। शारीरिक रूप से कमजोर तथा अक्षम वरिष्ठ जन कभी कभी पारिवारिक उपेक्षा के चलते अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्वयं मतदान केंद्र तक जाने में अक्षम होते हैं। अक्षम और दुर्बल वरिष्ठ जनों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने से वे मतदान में सहायक बन सकेंगे और निश्चित रूप से मतदान के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले 15 सालों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर उभरकर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा हो गया है। उन्होंने आज भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 2003 तक कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में प्रदेश बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था। भाजपा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन समस्याओं से प्रदेश को उबारने की थी, जिसमें वो सफल रही है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10% और कृषि विकास दर 20% पहुंचाने को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। श्री जेटली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटबंदी से जहां काले धन पर अंकुश लगा है, वहीं करदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, जिससे राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कुल आय का 42% हिस्सा राज्यों का होता है, इससे विकास कार्यों के साथ ही सरकारी योजनाओं पर पहले से कहीं अधिक राशि अब खर्च की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के चुनावी दौरे पर आएंगे। वे इस दौरान छिंदवाड़ा और इंदौर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 19 नवंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 21 नवंबर को इंदौर आएंगे। वे यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच, मंदसौर, शाजापुर और सीहोर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बालाघाट जिले की हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कटनी जिले की बोहरीबंद, जबलपुर, पनागर, लखनादौन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विंध्य क्षेत्र की मैहर, बांधवगढ़, नागौद, रेगांव, चित्रकूट और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र में सभाएं की। उमरिया जिले में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं को वॉल पेंटिंग के जरिए जागरूक किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
उमरिया जिले में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की जहां आम सभाएं होने लगी हैं, वहीं जिले में स्वीप अभियान की गतिविधियां भी तेजी से संचालित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर माल सिंह के निर्देशन पर मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करने का कार्य नित नए कार्यक्रम आयोजित कर किए जा रहे हैं। जिले में सभी युवा 18 वर्ष की आयु पार करने के पश्चात मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले आकर्षक वॉल पेंटिंग से दोनों विधानसभा बांधवगढ़ व मानपुर के प्रमुख स्थानों की दीवारें इन संदेशों के साथ सज गई हैं कि वोट देकर आई चुनकर मैं सरकार बनाई, हर समझदार की यही पहचान स्याही का निशान। 28 नवंबर को भूल न जाना, मतदान करने जरूर आना, ऐसे प्रेरक संदेशों को दे रहे रंग बिरंगे छाया चित्र वॉल पेंटिंग में। इसके अतिरिक्त आज जिला मुख्यालय में मतदाता जागरूकता के लिए विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण शाला के मैदान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मतदान का संदेश देते हुए इसी मैदान में संपन्न हुआ, जहां पर विभिन्न विद्यालयों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से मतदाताओं को 28 नवंबर को मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करने का संदेश दिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ सोमवार को जबलपुर में 3 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिवनी में आज सुबह एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगरमालवा जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को प्रतिबंधित किया गया है। रायसेन जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों पर निर्वाचन पाठशालाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीन का जानकारी दी जा रही है। खंडवा जिले में 19 से 25 नवंबर तक मनाए जाने वाले कौमी एकता सप्ताह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सीहोर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 18, 21 और 25 नवंबर को प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण किया जाएगा। सागर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला खेल अधिकारी को बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टिपत्र जारी किया। लघु और सीमांत किसानों को बोनस देने और कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का किया वादा। दृष्टिपत्र के साथ ही भाजपा ने जारी किया नारी शक्ति संकल्प पत्र, महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर। कांग्रेस ने दृष्टिपत्र को दृष्टिहीन करार दिया और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यप्रदेश की विकास दर वृद्धि को बताया सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।